दोस्तों ऐसे किस्से आपने ढेर सारे न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुने होंगे, क्योंकि कोई क्राइम हुआ, जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि उसमें जो नंबर यूज किया गया था वो किसी और के नाम पे लिया गया था। कहीं कोई ऐसा सीन आपके साथ में तो नहीं चल रहा है? यानी कि क्राइम तक तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहली बात यह है कि कहीं आपकी आईडी पे तो कोई दूसरा नंबर बंदा यूज नहीं कर रहा है। कैसे पता करेंगे, इस वीडियो में आसानी से आपको यही बताने वाला हूं। तो बस लास्ट तक देखिए वीडियो, इंट्रो के उस पार मिलते हैं। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो टेक चार्जर्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो आसान तरीका जिससे कि आप अपनी आईडी पे चल रहे किसी भी नंबर की जांच कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको वो नंबर सिलेक्ट करना है जो आपकी ही आईडी पर चल रहा हो, क्योंकि आपको पता है इस समय इंडिया में किसी भी टेलीकॉम कंपनी से कोई भी अपना सिम कार्ड लेंगे आप तो आपको आधार कार्ड लगाना इसमें मैंडेटरी है। और ये आसान तरीका भी है क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक आपका कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाता है। तो ऐसा कोई नंबर आप सिलेक्ट कीजिए जो कि आपके नाम पे खुद आप यूज कर रहे हो। उस नंबर को आपको यूज करना है एक टेलीकॉम यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम डॉट की वेबसाइट पर, जो कि सिर्फ इसीलिए बनाई गई है ताकि आपकी आईडी पर अगर कोई टेलीकॉम से रिलेटेड फ्रॉड हो रहा है तो उसको आप चेक कर सकें और उसके बारे में रिपोर्ट भी कर सकें। इसके लिए आप अपने स्मार्टफोन के ब्राउजर या फिर अपने पीसी या लैपटॉप के ब्राउजर पे टाइप करेंगे tafcop.dptelecom.gov.in। ध्यान रखिएगा ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि एनआईसी के द्वारा ही रन कराई जाती है और इसको सीधे टेलीकॉम डिपार्टमेंट मॉनिटर करता है। अब इस वेबसाइट पर आपको एक होम पेज मिलेगा जहां पर कि आपको एक मोबाइल नंबर मेंशन करने की जगह भी दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इस वेबसाइट को आपको जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज मिलेगी वो इंग्लिश में मिलेगी। इसके अलावा दो और डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस और नेशनल लैंग्वेज जिसमें कि हिंदी और तेलुगु को शामिल किया गया है, गूगल से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ टॉप में आपको यह ऑप्शन भी मिल जाएगा। फिलहाल आते हैं वापस वेबसाइट के होम पेज पर। यहां पर आप अपने उस नंबर को फीड कीजिए जो कि आपकी अपनी आईडी पर चल रहा है। जैसे ही आप नंबर फीड करेंगे नीचे ओटीपी जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड किए गए नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को अगले आने वाले पेज पर मेंशन कीजिए और वैलिडेट कीजिए ओटीपी को। इसके बाद आपका वो नंबर लॉगिन हो जाएगा इस पेज पर और आपकी सेम आईडी यानी कि उस नंबर के लिए जो आईडी यूज की गई है उससे चलने वाले जितने भी किसी भी टेलीकॉम कंपनी के नंबर होंगे वो सारे के सारे यहां पर शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूं तो मेरी आईडी पे कोई और नंबर नहीं चल रहा है, सिर्फ एक सिंगल नंबर लिया गया, इसलिए कोई भी नीचे आपको और दूसरे नंबर लिस्ट में दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर आपके नाम पर 1, 2, 9, 10, 11 जितने भी नंबर चले वो सारे के सारे नीचे मेंशन होने लगे, उन नंबर्स में से आप उन नंबर्स को सिलेक्ट कर लीजिए जो आप चला रहे हैं। आपका कोई रिलेटिव आपकी फैमिली में कोई चला रहा है वो तो आपके अपने नंबर है, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा अननोन नंबर आपको मिलता है जो आपकी जानकारी में नहीं है तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं सिलेक्ट करके, और उसका एक ट्रैक नंबर आपको ईमेल कर दिया जाएगा या फिर आपके सेम नंबर पर मैसेज कर दिया जाएगा जिसमें कि एक ट्रैक नंबर आपको दिया जाएगा। जब भी आप चाहें उस नंबर से ट्रैक कर सकते हैं कि आपने जो रिपोर्ट किया है उस पर क्या कार्रवाई डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इस समय कर रहा है, और अगर आपकी जो जो रिपोर्ट आपने की है वो सही पाई जाती है तो गवर्नमेंट की तरफ से ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसके आगे की कार्रवाई भी जो डिपार्टमेंट यानी डॉट है टेलीकॉम डिपार्टमेंट वो करना शुरू कर देगा। तो ये बिल्कुल एक आसान तरीका है। अभी तक यही सारी समस्याएं थी इंडिया में कि पता नहीं चल पाता था कि कौन सा नंबर किसके नाम पर चल रहा है या नहीं, तो ये एक आसान रास्ता है कम से कम उन लोगों के लिए तो जो कम से कम इंटरनेट का यूज करते हैं वो अपने नंबर को चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई फ्रॉड तो उनके साथ में टेलीकॉम से रिलेटेड नहीं हो रहा है। यहां पर एक चीज और आपको जानकारी दे दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के मुताबिक एक आईडी पर 9 सिम कार्ड ही इंडिया में चल सकते हैं, तो 9 से ऊपर अगर कोई नंबर लिया जाए तो कम से कम आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक एसएमएस भेज दिया जाएगा जिससे कि आपको पता चल सके। तो ये पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए बेहद कमाल की थी। उम्मीद करता हूं कि आपने कहीं पर भी स्किप करके इसको नहीं देखा होगा, और अगर स्किप करके देखा हो और अब आपको लग रही हो कि वीडियो आपके काम की है तो वापस से आप रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी वीडियो के बारे में कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड पूछना नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। हिंदुस्तान जिंदाबाद।